दोस्तों आज हम देखेंगे मीरा के पद। दूसरे पद में मीरा कृष्ण से विनती कर रही है कि वे उन्हें दासी बना लिए। उनकी दासी बनकर वे पेड़ पौधों का रोपण करना चाहती हैं। मीरा सेविका बनकर छोटे छोटे फूलों के पौधे लगाना चाहती है ताकि वे कृष्ण के दर्शन पा सकें। वृंदावन की गलियों में वे घूम घूम कर कृष्ण का गुणगान गाना चाहती हैं। मीरा चाकरी के बदले में केवल कृष्ण के दर्शन और सुमिरन मांग रही हैं। सुमिरन अर्थात स्मरण, यादें। मीरा के लिए प्रभु की भक्ति ही धन संपत्ति है। प्रभु की छवि स्मृति ही मीरा के लिए वेतन समान है। मीरा को जागीर के रूप में भाव भक्ति की भावना मिलती है। मीरा श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बात करते हुए कहती है कि मोर पंख उनके मुकुट पर सुंदरता में चांद चांद लगा रहा है। मीरा कहती है उन्होंने पीतांबर पहना है और उनके गले में वैजंती फूलों की माला है। कृष्ण को मोहन कहा गया है क्योंकि वे सभी को मोहित कर लेते हैं। मीरा कहती है कि वे ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी ताकि वे श्री कृष्ण के दर्शन पा सकें। अंतिम दो पंक्तियों में मीरा कहती है कि हे कृष्ण, आप सभी के समक्ष यदि मुझे दर्शन नहीं दे सकते तो आप जमुना जी के किनारे आधी रात को मुझे दर्शन दें। प्रभु के गुणगान गाकर मीरा लोगों को प्रेरित करती है कि वे अच्छे कार्य करें। इसमें मुख्य शब्द हैं सर्वस्व, न्योछावर, हृदय, श्रद्धा, कृतार्थ, परेत, अद्भुत, अग्रसर, भारत, वृंदावन। डायरी का एक पन्ना। सीताराम सेकसरिया ने महिला शिक्षा को प्रेरित करने में योगदान दिया। लेखकों ने अपने लेखों द्वारा समाज को उजागर किया। लेखक ने कभी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त नहीं की, वे अपनी निजी डायरी में लिखते थे। चाहे रुपए हो या ना हो, अन्य चीजें जो जिस काबिल था उसने उस तरह से अपना योगदान दिया था। लोगों में आज़ाद होने की तड़प अब अन्य लोगों में बहुत बढ़ गई।